हेलो बच्चों

सॉल्व करने के लिए हमारा की कांसेप्ट क्या रहेगा की कांसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ तो इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ तो यहां से हमें क्या मिलता है लैम्डा लैम्डा इज इक्वल्स टू h p यहां पे लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वेवलेंथ वही जो एच है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट तो एच यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या है हमारा मोमेंटम तो ये P जो है ये मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है अब क्योंकि हमारा H कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम क्यों क्योंकि हमारा एच क्या है कॉन्स्टेंट और अगर हम इनवर्स रिलेशन देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कर्व्ड शेप में कुछ इस तरीके से तो अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं पी भी इंक्रीज हो रहा है लैमडा भी इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी ऑप्शन हमारा सिमिलरली मैच कर रहा है और वही सी में क्या हो रहा है ये डिक्रीज है बट अब देखिए स्ट्रेट लाइन है डिक्रीजिंग स्लोप का स्ट्रेट लाइन है मतलब सी भी रॉन्ग है और डी में तो क्या हो रहा है पी इनक्रीज हो रहा है लैमडा के साथ तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बी ऑप्शन क्योंकि वही एक इन्वर्स ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हो पी ऑन योर स्टूडेंट वेल्थ बेस्ट ऑफ लक